सबसे पहले आप सभी दर्शकों का मेहरबिंद सारा प्रणाम करता हूँ। और आज हमने के संजान में गुजरात में अपना नया फिल्म सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे का शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं रितु सिंह के साथ ही खटिया सरकार हूँ, ये हमारी भाभी जी हैं। अच्छा नहीं, मेरी बस एक ही भाभी है जिसके साथ मैं खटिया सरकार था। हाँ, आपके जीजा जी चीज के फिर हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी इस फिल्म में भाभी बनी है। अभी इनकी तबीयत बहुत खराब है, जो बोल नहीं पाएंगे। मतलब पहले भाभी की आवाज बंद कर दी, आप लोग कुछ बोल नहीं पाए। आप लोग ये कैसी मिली है जो हमेशा बक 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 बोलती रहती है। देखिए हमारी प्यारी भाभी, लग रहा है मेरे चेहरे से लग रही है बहुत बोलती होंगी इनके चेहरे से, ये तो सबकी बहुत लगा। आज क्या चल रहा है? आज आप दोनों एकदम शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं तीनों। हम दोनों शादी हो रही है, दोनों इतने एक्साइटेड क्यों हो चोरों से शादी करने? प्यार किया है ना। तुम किससे प्यार करती हो? उनसे किन से? पर्दे पे, रियल लाइफ में? रियल लाइफ में अभी नहीं बताऊंगी। कैमरा ऑन है, दर्शक देख रहे हैं। फुटेज खाने का मौका होता है। अच्छा रितु जी दूसरी शादी कब कर रही हैं आप बता दीजिए। दूसरी शादी तो कर रहे हैं ना? अरे दोबारा शादी, दूसरी बार शादी हो रही है दोनों की। इससे पहले हमने किया रबा इस ना हो। हां, हम दोबारा शादी कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं 3 महीने का। आप इंडिया के उन लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे जो दोबारा शादी करना चाहती हैं? हम मैं ये बोलना चाहूंगी कि शादी करिए, दोबारा कीजिए या तीसरी बार कीजिए, अपने हस्बैंड से कीजिए जिससे आप पहली शादी की। बहुत बढ़िया। आप क्या कहिएगा शुभम जी? भैया सबसे पहले तो नमस्कार। जब तक अवधेश भैया है हम लोग की हिम्मत नहीं है बात करने की, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फिल्में कहते हैं कि हीरो हीरोइन के साथ के अलावा सबसे ज्यादा अगर फिल्में मैंने की है तो अवधेश भैया के साथ। और अवधेश भैया वाकई में लव यू भैया, ये टीम बहुत अच्छी है। भैया इस फिल्म के एक ऐसे किरदार हैं जब आप सिर्फ फिल्म देखोगे तो आप लोगों को मजा आएगा देखकर, फिल्म सिनेमा देखकर। किरण जी बिल्कुल मेरी धर्मपत्नी के रूप आपको में आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी वाइफ बहुत अच्छी लग रही है। लग रही है ना? बिल्कुल जी जी। वाइफ कहाँ मिलेगी जब बस पति ही बोल रहा है और पत्नी? नहीं नहीं, यही है ना, ये हिंदुस्तानी को आई लव यू बोल रहा है, ये मुझे लव यू बोल रहा है, लेकिन लव करते किसको? पत्नी, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। ये देखिए कैसी पत्नी है, पक 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 पक। मुझे देखिए, मैं अपने हस्बैंड की बोलती बंद करके, और यहाँ मैं हूँ की देखिए बोले जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, और आप सभी जानते हैं कि पराग जी से पिछले 3 फिल्मों के साथ बहुत अच्छा हम लोग का लगाव रहा है, और लास्ट फिल्म हमारी बहुरानी सुपर डुपर हिट हुई है। आज फिर से हम लोग सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे इस फिल्म के लिए आप लोग सभी आए हैं। सभी मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अवधेश भैया के साथ फिर से एक बार एक नए रूप में काम करने का हमको मौका मिला है। भैया के साथ हम लोग सीखते ही हैं नए नए अंदाज़। लेकिन टाइटल सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, दो हैंडसम हीरो, दो खूबसूरत सी हसीना जी, तो इसका जवाब आप देंगे ना? खटिया पे कितना लोग सोएंगे? खटिया हाँ, ये हमारे पिताजी हैं और हम दोनों की बच्चियां हैं। क्यों जी दहेज में आपने खटिया नहीं दिया था क्या? अवधेश जी पलंग क्या है? पलंग चोय चोय कर रहा है ना, तो अभी खटिया, इसीलिए हमारे जो डायरेक्टर है वो बोले कि चाहे वो शीशम का पलंग हो या रेड का पलंग हो, कोई इतना है, दोनों हीरो तगड़े हैं तो चोय चोय कर ले। बांस का खटिया तो टूट जाता है। अरे नहीं, खटिया नहीं टूटेगा। अच्छा कल्लू जी बताइए कि आपने दहेज भी लिया इस शादी करने के लिए? वो तो फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि मैं कितना बड़ा दहेज लिया। इतनी बड़ी दहेज मिल गई, अब क्या चाहिए। वाह, आप कुछ बोली है, ये इनसे कुछ सवाल करते हैं। इनकी तबीयत खराब है, इनका नाम है किरण जी। तो आप जुबान से नहीं बोलेंगे, आंखों से तो बोलेंगे? आंख मार दीजिए जरा पब्लिक को, आंख मार दीजिए। आपका खटिया, आपका खटिया सड़केगा? सरकाने में बिलीव रखती है? नहीं, आज मोनिया व्रत है इनका। मौन व्रत है क्या? पति की हमने बोल नहीं पा रहे। संजान में वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, और थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है भैया। तो गर्मी में तो और आवाज खुलती है, दुनिया खुलती है। नहीं नहीं, तबीयत सच में खराब है कल से। आप क्यों इतनी उनका? मेरी बहन है, इनके तरफ से आप बोल दीजिए इनके लिए। हाँ मैं बोल तो रही हूँ, क्या बोलूँ बहन, रुको मैं बोलती हूँ। आपके साथ साथ ये भी पापा आप कितना बोलते हैं। पापा तुझे सरकारी लोग खटिया में क्या क्या कैरेक्टर है कुछ बताने चाहिए? कैरेक्टर यही है कि जो पकड़ पकड़ बोल रही हूँ मैं अभी, यही है कैरेक्टर। जितना मस्ती हम कर रहे हैं अभी, ये वो आपको इससे भी कहीं ज्यादा, ये तो बस थोड़ा सा ट्रेलर है, एक थोड़ा सा एक झलक है, लेकिन यही हम मस्ती करने वाले पूरी मूवी में। सरकारी लोग खटिया ज्यादा लगे, ऐसे मेरे ये पिताजी जो है वो सबकी वॉट लगाते, लगता ही नहीं है पिताजी है।
जैसे बोला ना माशूका टाइप का टाइटल दिया सब लड़कियों को, वैसा ही है कुछ। कर लो जी एक मोहब्बत में कुछ दो लाइन सुना दीजिएगा, सिर्फ दो लाइन अपने वाइफ के लिए। जैसा शुभम भैया ने बताया यहाँ पे मौसम खराब है तो थोड़ा बहुत मेरा भी आवाज लगा, लेकिन कोई शायरी बोल दीजिए भावनाओं के व्यक्त। नहीं मैं सिंगर तो गाने के माध्यम से भावनाओं को। हर कुछ ना झूठा सच्चा बा तुहरा से कुछ नया छबा ओ कबो रोवेला कबो हसेला दिलवाया बही बचाबा। अरे हद से भी ज्यादा गुजर जाइबरे मिलबो जे तू ना तो मर जाइबरे, मिलबो जे तू ना तो मर जाइबरे। कल्लू जी एक सवाल करना चाहूंगा मैं, सब इन तमाम लोगों ने बोला कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल सारे हीरो जो होते हैं अपनी जोड़ियां बनाते हैं जी, आपने कभी इस पहलू पे सोचा? No comments. अभी तुम्हें सांस ले कर ये सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली इन लोगों ने हिम्मत नहीं की तो बोले कि जो आप ही पूछ लीजिए, तो मैं तो थोड़ा हमको लगता है कि आप अपने पिताजी से डरते हैं। नहीं 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 ना, हमारे पिताजी जो है मेरे साथ रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, भी हमारे पिता समान है, बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई से ज्यादा बढ़ के दोस्त हैं हमारे, ये हमारे गुरु हैं, उस चीज के गुरु हैं जो हम लोग ऑफ कैमरा सीखते हैं। प्यार में पिताजी के लिए कुछ बोल दीजिए। अरे पहले ये सवाल के जवाब देना चाहिए, इन्होंने पूछा जोड़ी बना रहे हैं तो सबकी जोड़ी पब्लिक पसंद करती है, अगर उस जोड़ी को हमारी इस जोड़ी को पब्लिक पसंद करे तो कंटिन्यू। यही सुनना चाहते थे कि आप अपने मुंह से अपनी जोड़ी का नाम ले ले जो ले लिया। अभी तो फिलहाल हम ही जोड़ी है, इसके बाद सरकारी लोग खटिया जाना हो गया और अभी सरकारी ले खटिया में खटिया सरकार ने आ गया सरकार, इसके बाद भी हम लोग कर रहे हैं तुम्हारे प्यार की। प्यार से बाहर कब निकलेंगे? क्या ये दुनिया प्यार है? अभी हमारे शुभम जी हमारे हीरो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस फिल्म के चर्चा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म ऐसा नहीं, सबको कहता है कि हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट है या हमारी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। मैं वाकई में आज जो इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है ना, ये जो हमारे मीडिया आए हैं भाई, मैं आपको कहता हूँ दावे के साथ कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन वाकई में आप सभी देखने जाएंगे और यही सारे कैमरे लेके आप लोग जाइएगा और आप याद से अवधेश भैया को तो याद करेंगे, ये पूरी टीम को आप लोग याद करेंगे कि क्या फिल्म वाकई में पराग पाटिल जी ने बनाई। मतलब सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे देखने के बाद कुछ न कुछ सरकेगा, जरूर सरकेगा सर, अल्टीमेट सिनेमा बनेगा, अल्टीमेट सिनेमा बिल्कुल, गाने से लेकर एक्शन से लेकर। पहली बार भैया ऐसा होगा जो एक्शन भी कॉमेडी में है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, एक्शन भी कॉमेडी में है, बहुत कुछ बहुत धमाल। कुछ किरदार के बारे में बताइएगा जी। आप दोनों भाई हैं हम लोग, बड़े छोटे, अरे छोटे बड़े तो ये छोटे और बड़े हैं हम लोग, और दोनों किसी भी तरीके से, अब कुछ काम धंधा तो है नहीं, किसी भी तरीके से झोल झाल करके एक बड़े से पुरुष के घर में हम लोग घुसते हैं, जहां पर बाद में पता चलता है कि दो खूबसूरत सी उनकी बेटियां हैं, और अब ये अब रखने को तैयार नहीं है कहानी, इन शॉर्ट ये है, लेकिन कहानी ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाहूंगा फिर मजा निकल जाएगा। अब किस तरीके से, हाँ किस तरीके से हम लोगों ने इनके घर में धमाल मचाई है सर, सिर्फ आप सिनेमा देखिए, आप इनको देखिएगा इस मूवी में, स्पेशली आप देखिएगा कल्लू जी कितने रियल लाइफ में कितने चोरियां करते हैं आप दोनों बताइए कल्लू, यो कौन पूछे वाला बात, केवल दिल चुराते हैं, हम सब चोर हैं बचपन से ही, सब जानते हैं, सब दिल चुराते हैं, हम अपने बाबूजी के पॉकेट में से पैसे चुराते हैं, हम चुराने वाले पैसा बाबूजी के पॉकेट से, कितना रुपए वाले दिल कितना के चुरा लो, हम एक को नहीं चुरा लिया, अब मेरे परेशान बने ना, तू चुरा लो आप कितना दिल चुरा लो नंबर से बाहर है जियो अनलिमिटेड, जियो सिम अनलिमिटेड, एक दिन में 1 GB फ्री। अब फिर जी आप बताइए आपने कितने दिलों को लूटा है? मैं तो लुटेरा ही हूँ भाई, प्लीज बताइए मुझे। नहीं मैं बता, सब जानते हैं कि मैं लुटेरा हूँ, लेकिन आज बेटी पूछ रहे बेटी चलिए इंटरव्यू का मसला है, फिल्म में बेटी है, लेकिन मैं तो बेटी तो घर में है, एक ही बेटी है, बाकी तो फिल्म सब जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हमारा एक ही रिश्ता है, दोस्ती का, मोहब्बत का, प्यार, बिल्कुल नफरत नहीं जीवन में, पॉइंट भी नोटेड, प्यार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कल जाता है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बता दीजिए, कितने कॉमेडी प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर ने कितनी कॉमेडी की है इसमें?
मैं इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बोलना चाहूँगा, दो शब्द बोलना चाहूँगा। बोलिए। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है पराग पाटिल जी, मैं स्टाइल सिनेमा, मैंने उनका नाम सुना था लेकिन फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो भी सीन हो रहा है पहले वो करके दिखाते हैं और उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अलग आप लोगों इस फिल्म में मेरा एक्टिंग वाइज, मेरा डांसिंग परफॉर्मेंस सब कुछ अलग दिखेगा। और जैसे शुभम दिया ने बताया कि एक कैरेक्टर जो है वो सस्पेंस है, तो आप लोग जब भी हमारी फिल्म रिलीज होगी सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे देखिएगा और बताइएगा कैसा लगे। थैंक यू सो मच।